एवरीवन, इट्स मी ईशा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स पार्ट 3। ओके, सो पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज हमारी पार्ट 3 का फर्स्ट इस पार्ट में, मतलब जो हमारा पार्ट 3 है, इसमें हम ऑल अबाउट हर्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हर्ट के अंदर जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग, दिस इज़ अ हर्ट। ओके, आई होप आप लोग को ड्राइंग अच्छी लगी होगी एंड मैंने अच्छे से कोशिश करी कि मैं टेक्स्ट बुक जैसा बना पाऊँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने हर्ट बनाया है। ओके, सो दिस इज़ आर हर्ट एंड इसी के बारे में हम लोग मेनली इस पार्ट में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सो हर्ट का पहले टॉपिक क्या होता है, हर्ट क्या करता है, हर्ट पम्प्स ब्लड। ओके, सो हर्ट क्या करता है, हर्ट ब्लड को पंप करता है। कहाँ पंप करता है, ब्लड वेसल्स में पंप करता है। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज जो ब्लड होता है वो ब्लड पंप करता है। ठीक है, जो हमारा हर्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, उसका पंपिंग का प्रोसेस होता है ना। एंड वो कहाँ पे ब्लड पंप करता है, ब्लड वेसल्स में पंप करता है। ओके, सो ये हमने देख लिया। अब ये जो हमारा हर्ट होता है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, दीज आर लोकेटेड इन दी चेस्ट कैविटी। ओके, जहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं ना वहीं पे हमारा हर्ट भी लोकेटेड होता है। सो इसे हम चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये भी चीज़ हमने देख ली। अब हम लोग डीप इंटू द हर्ट आते हैं। ओके, हर्ट के एकदम अंदर आते हैं। ओके, सो जो हमारा हर्ट होता है वो दो हिस्सों में अभी डिवाइड होता है। ओके, जो हमारा हर्ट होता है यहाँ पे आपको वो दो हिस्से नहीं दिख रहे होंगे। जैसे कि मान लो अगर मैं इस हर्ट को ऐसे सीधी लाइन से ऐसे एक डिवाइड कर दूँ, देखो यहाँ पे एक सीधी लाइन से यहाँ पे से डिवाइड कर दूँ, तो देखो यहाँ पे 1 एंड 2, दो हिस्सों में हर्ट हमारा यहाँ पे डिवाइड होता है। ओके, सो ये दो हिस्से क्या होते हैं, द एट्रिया और द अपर चेम्बर। तो ये जो दो हिस्से होते हैं इन्हें हम चेम्बर बोलते हैं। ओके, सो द एट्रिया और द अपर चेम्बर, अपर चेम्बर मतलब ये वाला चेम्बर, ऊपर वाला चेम्बर कंटेन्स ब्लड विथ नो ऑक्सीजन। तो जो हमारा ऊपर वाला चेम्बर होता है उसके पास क्या होता है, ब्लड होता है लेकिन विथ नो ऑक्सीजन, विदाउट एनी ऑक्सीजन का वहाँ पे ब्लड होता है। ओके, ये जो अपर चेम्बर होता है इसमें विदाउट एनी ऑक्सीजन का ब्लड प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, द वेंट्रिकल्स और लोअर चेम्बर। अब जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, मतलब जो हमारा लोअर चेम्बर होता है ना उसे हम वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं। जो हमारा पूरा लोअर चेम्बर है इसे हम वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं और लोअर चेम्बर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये कैसे ब्लड कंटेन करता है, इट कंटेन्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऐसे ब्लड जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन रिच हो। ओके, ऐसे ऑक्सीजन रिच ब्लड को लोअर चेम्बर कंटेन करता है और विदाउट एनी ऑक्सीजन को अपर चेम्बर कंटेन करता है। अपर चेम्बर को हम एट्रिया बोलते हैं, लोअर चेम्बर को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ओके, सो अब इसके आगे हमारे और भी नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि अब हमने देख लिया कि अपर चेम्बर हमारे क्या आते हैं, आर्ट्रियाज होते हैं एंड लोअर चेम्बर आर नोन एज वेंट्रिकल्स। ओके, सो नाउ द आर्ट्रियाज और अपर चेम्बर डिवाइड्स इंटू टू बाय वाल्व्स। ओके, सो हमारे जो आर्ट्रियाज होते हैं ना और जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, यहाँ पे देखो वेंट्रिकल्स मैं पढ़ देती हूँ, द वेंट्रिकल्स और लोअर चेम्बर डिवाइड्स इनटू टू मोर चेम्बर्स बाय वाल्व्स। ओके, सो ये जो आर्ट्रियाज और ये जो वेंट्रिकल्स है ना, ये देखो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देती हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा बॉक्स क्या है, दिस इज आवर हार्ट। ओके, सो ये हमारा हार्ट किस में अब डिवाइडेड है, पहले हमने क्या देखा था, फर्स्ट हमने देखा था कि ये टू चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है। ओके, अब यहाँ पे हम और फर्दर ये और चार चेम्बर्स में डिवाइड हो जाता है, 1, 2, 3 एंड 4। कैसे होता है, यहाँ पे देखो ये इस तरीके से डिवाइड होता रहता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या जाता है ना, एक वैल्व आ जाता है। ओके, वैल्व मतलब ढक्कन, मतलब यहाँ पे देखो आपको वैल्व दिख रहा होगा ना इस टाइप का, ये देखो यहाँ पे भी आपको एक ओपन क्लोज वाला ये जो वैल्व होता है ना, वो इसी से ये चार चेम्बर्स में डिवाइड हो जाता है, 1, 2, 3 एंड 4। तो ऐसे ही हमारा हर्ट कैसे हो जाता है, 4 चेम्बर्स में डिवाइड हो जाता है। देखो यहाँ से जो बीच वाली लाइन है इट डिवाइड्स इंटू 1, 2, 3, 4 चेम्बर्स। राइट एट्रिया जो फर्स्ट चेम्बर होता है उसे हम राइट एट्रिया बोलते हैं,
लेफ्ट वाला होता है उसे हम लेफ्ट एट्रिया बोलते हैं, सेकेंड चेम्बर। थर्ड चेम्बर को हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, फोर्थ चेम्बर को हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये सब किससे डिवाइड हुए हैं, बाय वैल्व। ये देखो आपको यहाँ पे वैल्व दिख रहे हैं, ये ओपन क्लोज होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, यहाँ पे हमने फर्दर डिवाइड देख लिया, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल्स। ओके, सो ये सब हमने यहाँ पे क्या है, वेना कावा और अरोटा। अभी जो वेना कावा होता है ये क्या होता है, लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। तो जो वेना कावा होता है दैट इज आर लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। वेन्स तो हमें पता ही है। ओके, सो जो वेना कावा होता है वो क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट वेन ऑफ दी बॉडी होता है, एंड वेना कावा इज दिस वन। ओके, सो ये जो मैंने सर्कल किया है यहाँ पे, दिस वन इज दी वेना कावा। ओके, अब अरोटा या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके, अरोटा द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। अब ये जो अरोटा होता है दैट इज आर लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, ऑल अबाउट हार्ट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, अभी मैंने क्या बोला, वेना कावा इज दिस वन, ओके, एंड अरोटा इज दिस वन। ये जो बड़ा वाला आपको यहाँ से दिख रहा है ना, कनेक्टेड है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, दिस इज आर लार्जेस्ट आर्टरी एंड दिस इज आर लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज आती है, हार्ट बीट। ओके, HEART, हार्ट बीट। अब ये जो हार्ट बीट होता है ये क्या होता है, हार्ट बीट मतलब जब क्या होता है, जब आपका जो लंग्स होता है, मतलब जो आपका हार्ट होता है वो क्या होता है, मतलब वो प्रेशर से पंप इन पंप आउट होता है ना, तो वो उसको जो वो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। तो इसे हम और क्या बोल सकते हैं, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाई द रिलैक्शन इज नोन एज हार्ट बीट। जब आपका हार्ट रिदमिकली मतलब ऐसे ही जैसे होता है ना कंटिन्यूसली, ठीक है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉलोड बाय द रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहता है, जिसे आप धक धक बुक बुक सुनते हो ना, तो वही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट्स बन जाता है। ओके, सो इट इज़ इट कंटिन्यूज इन एवरी मूवमेंट ऑफ द लाइफ, आपके हर मूवमेंट में कंटिन्यू होता है, कभी रुकता नहीं है। एंड ये जो हार्ट बीट होता है ये किससे, मतलब हम लोग कब, मतलब हमने कभी किसी कौन से चीज़ से, डॉक्टर्स ये सुनते हैं, डॉक्टर्स हमारे पास जो स्टेक्स को क्या बोलते हैं हम इसे, स्टेलिस्टोस्कोप होता है, उसी से हमारे डॉक्टर्स ये स्मार्ट मतलब जो साउंड होता है हमारे हार्ट का वो सुनते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स के पास रहते हैं। मैं आपको थोड़ी सी हल्की सी ड्राइंग बना देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ आ स्टेलिस्टोस्कोप। ओके, सो इसी से क्या होता है, आप अपने हार्ट बीट्स को मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वो सुन पाते हैं, ठीक है। आई होप मैंने अच्छी सी ड्राइंग बनाई होगी, ठीक है। सो दिस इज़ आ स्टेलिस्टोस्कोप। ओके, ऐसा ही कुछ दिखता है हमारा स्टेलिस्टोस्कोप। और यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का पार्ट 3 भी कंप्लीट कर दिया है। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।